हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक कैप। ये देखिए, मैं ये दो कलर यूज़ करके बनाऊंगी। एक स्काई ब्लू है और एक ये क्रीम कलर का है। तो ठीक है, तो देखिए मैं क्रीम कलर वाले को मैं एज ए बॉर्डर यूज़ करूँगी और इससे मैं ऊपर का हिस्सा बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये मेरे पास ये डबल पॉइंटेड नीडल है। तो आप इस तरीके की देखिए ये 4 या 5 सिलाई का जो सेट आता है, इसको भी यूज़ करके आप डबल पॉइंटेड नीडल से कैप को राउंड में बनाएंगे, या फिर आप अगर स्ट्रेट में बनाना चाहते हैं तो आपको बाद में सिलना पड़ेगा। तो मैं इसमें यहाँ पे राउंड में बनाऊंगी। तो ये देखिए, एक तो हम इस तरीके की ऐसे बना सकते हैं, दूसरा हम ये सर्कुलर नीडल लेकर ऐसे बनाएंगे। तो देखिए मैं आज ये सर्कुलर नीडल और ये दोनों सेम ही हैं, क्योंकि हमें बाद में भी हैंड को जॉइन करना पड़ता है। तो देखिए ये वाले मैं अभी नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको एक व्यू दूंगी। ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये टोटल फंदे डाल लिए हैं 91। पैटर्न जो मैं इसमें बनाने वाली हूँ वो देखिए 90 + 1 फंदा मैंने एक एक्स्ट्रा लिया है, ताकि हम उसे जॉइन करेंगे तो उस टाइम पे हमें ये काम आएगा। तो मैं इसको, आप देखिए अगर इस तरीके की सलाइयाँ यूज़ कर रहे हैं तो इसमें बिल्कुल इक्वल फंदे आप डिवाइड कर लेंगे। जैसे कि 91 है ना, तो 30, 30 और एक में 31 ले लेंगे। ठीक, तो उस तरीके से आप फंदे ले सकते हैं। तो मैं आपको इसी में करके दिखा देती हूँ, बाद में मैं इसका भी यूज़ आपको बता दूँगी। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर ये देखिए 91 फंदे डालने के बाद में मैं, और ये देखिए सलाई जो है ये हमारी 10 नंबर की है, यहाँ पर आप देखिए ये, और सेम मैं जो आगे पैटर्न बॉर्डर यूज़ करूँगी वो भी यही सलाई हम यूज़ करेंगे। बॉर्डर बनने के बाद में जो हम सलाई यूज़ करने वाले हैं वो हमारी ये 9 नंबर की सलाई होगी। ठीक, तो इतना मैंने आपको बता दिया है, जो कि बहुत ही बेसिक है। तो सबसे पहले हम फंदे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 27 28, 29, 30 और 31। ये हमने इसमें 31 फंदे ले लिए। आप देखिए नेक्स्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29 and this one is 30। तो देखिए 30 फंदे ये हो गए, 31 ये, 30 ये, और इसमें भी 30 होंगे। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। तो देखिए हमने इसको इस तरीके से कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए आप चाहे ये वाली नीडल यूज़ करें या ये वाली, ठीक है, जो फंदा हम बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर देखिए आप ये चीज़, ये जो देख रहे हैं ये हमारी सीधी साइड है, और अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये, अगर इसको मान लीजिए टर्न कर दें तो ये देखिए उल्टी साइड से ये ऐसा आएगा। तो हमें ध्यान रखना ये है कि हमारे फंदे देखिए जब हम जॉइन करें तो वो एक ही सी लाइन में आने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये वाला हमारा ऐसे ट्विस्ट हो जाए या ये हमारा ऐसे ट्विस्ट हो जाए, तो हमारा उससे क्या होगा, हमारा पैटर्न बिगड़ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको हम जॉइन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर एक अलग नीडल यूज़ करके बता रही हूँ। देखिए, और इस सलाई से भी हमें इसी तरीके से जॉइन, सारे फंदे आपके ऐसे हो जाएंगे, और जब आप जॉइन करेंगे वो भी जैसे मैं इसमें बता रही हूँ सेम टू सेम इसमें भी वैसे ही जॉइन होंगे। ये हमारा वर्किंग यार्न है। तो देखिए कैसे करना है। ये जो फंदा आपको दिख रहा है सबसे फर्स्ट वाला, इसको स्लिप कर लीजिए, और ये जिसमें हमारा फंदा अटैच है इसको ऐसे निकाल दीजिए और इसको यहाँ पर चढ़ा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे 30 लूप होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। ठीक, तो इसको हमने ऐसे कर लिया, और इनको हम बाद में अच्छे से जॉइन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आगे से जब आप इसको रख कर देखेंगे, देखिए सारे के सारे हमारे एक जैसे आए। तो आप देखिए मैं क्या करूँगी, मैं आपको इसी में दिखा दे रही हूँ। ठीक है, वैसे ही इसमें भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे सर्कुलर नीडल्स में। तो आपने इसको देखा। आप देखिए हमें यहाँ से बॉर्डर बनाना शुरू करना है। तो देखिए ये जो आपको फंदा दिख रहा है, देखिए सबसे पहले एक लूप हम यहाँ बना देंगे, सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ लाएंगे। जैसे कि हम सीधे उल्टे का फंदा बनाते हैं वैसे ही हमें इस बॉर्डर इसमें भी बना देंगे। देखिए एक सीधा बनाया, एक उल्टा बनाया, फिर एक हमने सीधा बनाया, धागा आगे लाके एक फंदा हमने उल्टा बनाया, ठीक। तो इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर हम एक मार्कर अटैच कर देंगे, तो जिससे हमें पता रहेगा कि ये जो लूप हमारा था ये हमारा फर्स्ट लूप था, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक। तो इसी तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैं ये वाली सिलाई लेकर आप इसको कंप्लीट कर लूँगी, आप इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये एक राउंड कंप्लीट हो गया है और हमारा पैटर्न देखिए एकदम अच्छे से आया हुआ है, राइट। देखिए और मैंने यहाँ पे ये देखिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, ये दो मैंने जो मार्कर लगाए हैं क्योंकि हम इसमें बाद में ईयर फ्लैप बनाएंगे। जैसे कि बच्चों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो उनके कान को बांधने का भी काम करें, अगर आपको नहीं बनाना है तो आप मत बनाइए। मैं इसको पूरा कैप बनने के बाद में कान वाला पोर्शन बनाऊँगी, ठीक। तो इसी तरीके से देखिए एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अगेन नेक्स्ट राउंड मैं आपको थोड़ा सा और बता देती हूँ। ये देखिए हमारे यहाँ पे उल्टा आया है, यहाँ पर सीधा फंदा है, तो धागा पीछे ले जाएंगे और यहाँ से हम देखिए एक फंदा, ये देखिए सीधा बुना, धागा अपनी तरफ उल्टा, तो मतलब सीधे को सीधा बनाना है, उल्टे को उल्टा बनाना है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स अगर आप सिंगल बना रहे हैं, ये देखिए, तो आपका इतना 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर सफिशियंट है, ठीक है। अगर आप डबल बना रहे हैं 13 सेंटीमीटर या फिर 14 सेंटीमीटर जब आप बना लेंगे तो आपका ये जो बॉर्डर है ये देखिए इतना चौड़ा बनकर आएगा, ठीक है। तो मैं इसको पूरा 14 सेंटीमीटर तक लंबा बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये करीब 12 सेंटीमीटर बॉर्डर बनाने के बाद में इसको डबल किया है। तो देखिए इसमें मैंने जो वाइट कलर की सलाइयाँ बनाई हैं, आप मान लीजिए कि मैंने इसमें 14 सलाइयाँ वाइट से बनाई हैं, तो 12 या फिर 10 सलाइयाँ मैं इस कलर से मैंने बनाई हैं। इसलिए मैंने ऐसा किया है ताकि ये जो वाइट कलर की धारी है वो सामने, ये हमारा सामने का बॉर्डर आएगा, ये हमारा बैक साइड का बॉर्डर आएगा, ठीक। तो थोड़ा सा ये इस तरीके से दिखे इसलिए मैंने इसको, इसकी कम सिलाई बनाएंगे, इसकी थोड़ी ज़्यादा बनाएंगे, 3 या 2, ठीक। तो इसके बाद में हमने इसको डबल कर लिया है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डबल करना और दिखा दे रही हूँ। ये देखिए तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे कि ये देखिए स्टार्टिंग पॉइंट सीधा यहाँ पे ऐसे आ रहा है, तो आप जब अपना पोर्शन ऐसे रखेंगे तो ये देखिए लास्ट तक सीधा ही जाएगा, ठीक है। तो आपको उसी में ऐसे पलट के जाना, लेकिन रॉन्ग साइड से आपको ये उल्टी धारी नज़र आएगी। तो देखिए हमने इसको ऐसे धागा ले लिया, फंदा, और नीचे ये देखिए जो हम फंदे डालते हैं उसमें एक चेन सी बनती जा रही है, तो उसी चेन में हम डालेंगे फर्स्ट, ये देखिए ऐसे पहला फंदा पहली चेन ऐसे, फिर देखिए ये लिया नेक्स्ट चेन में, ये देखिए नेक्स्ट चेन, दूसरा फंदा दूसरी चेन, इस तरीके से देखिए निकालते जाएंगे। फिर देखिए ऐसे तीसरा फंदा और तीसरी चेन, ये देखिए। तो आप समझ जाएंगे अगर आपका पैटर्न गड़बड़ होगा तो यहाँ से आपको वो थोड़ा लूप्स तेछे तेछे नज़र आएंगे, ठीक है। तो आप समझ जाइएगा कि आपके टेढ़े मेढ़े से कहीं से जॉइन हो गया है। ये देखिए नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को हम ज्वाइन कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद में मैं आपको फिर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको पूरा ही ज्वाइन कर लिया है और ज्वाइन करने के बाद में ये देखिए पीछे से ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, इस तरीके से देखिए। तो देखिए ये पैटर्न है हमारा। मैंने यहाँ पे 7 फंदे बताए थे पर 6 फंदे बढ़ाने हैं, ठीक है, तभी हमारा पैटर्न एकदम से अच्छे से आएगा। तो फंदे हो जाएंगे हमारे 96, टोटल फंदे 96 हो जाएंगे फंदे बढ़ाने के बाद में। तो ये देखिए इतना पोर्शन अभी हमने बनाया है, इसके बाद में ये देखिए ये, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ये, ठीक। तो ये देखिए इस तरीके से हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। आप ऐसे ही पैटर्न को आप फॉलो कर सकते हैं। पहले देखिए हमने इतना बना लिया, फिर ये वाले लूप, फिर ये, और इसी को देखिए हम फॉलो करेंगे। नेक्स्ट रो जब आएगी मैं आपको फिर उसको दिखाऊंगी। देखिए नेक्स्ट दो फंदे उल्टे, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे, 2 3 4 5 और ये 6, ठीक। 6 फंदे सीधे हो गए। फिर धागा आगे लाइए। देखिए हर 6 फंदे के बीच में हमें 2 फंदे उल्टे रखने हैं। तो आप इसी तरीके से आप बनाते हुए जाएंगे। देखिए फिर से 2 फंदे हमने उल्टे बना लिए, धागा पीछे करेंगे, फिर 6 फंदे सीधे बुन देंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर धागा आगे लाइए, फिर 2 फंदे हम उल्टे बुन देंगे, 1 2, धागा पीछे। इसी तरीके से हम इस पैटर्न को फॉलो करेंगे लास्ट तक। तो फ्रेंड्स देखिए हमने इसकी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हमारा जहाँ पे ये मैंने पिंक कलर का मार्कर लगा रखा है, ये वाला फंदा स्टार्टिंग है और ये एंडिंग, दोनों ही स्टार्टिंग और एंडिंग में मैंने एक एक उल्टा फंदा रखा है ताकि हमारा पैटर्न एकदम ईवन लगे। तो आप देखिए ये चौथी सिलाई का लास्ट फंदा मैं उल्टा बुन देती हूँ। आप देखिए हमारी रो नंबर 5 शुरू होगी। तो ये देखिए पहला फंदा उल्टा हमने बुन दिया जो जैसा दिख रहा है, ठीक। आप देखिए ये 6 फंदे हैं, इनमें हमें ट्विस्टिंग करनी है क्योंकि हमें केबल बनाना है तो ट्विस्ट करना है। तो देखिए 6 को हम ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से, थोड़ा आगे सरकाते हुए, और पीछे से देखिए पहले वाले फंदे ले लेंगे, इसके बाद में हम ये वाले फंदे ले लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। और इसके बाद में हमें 1 2 ऐसे 1 बाय 1 करके इसमें हम चढ़ा देंगे, ठीक। और इनको सीधा बुन देंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए इस तरीके से आपका ये ट्विस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 2 फंदे हमने उल्टे बुन लेने हैं। उल्टे फंदों को उल्टा ही बुनेंगे, बस सीधे फंदों को ही हमें चेंज करना है। तो ये देखिए 6 फंदे हमने इस तरीके से निकाले, पीछे से 3 फंदे हमने ये ले लिए और आगे से 3 फंदे ये, इस तरीके से देखिए हम चढ़ा देंगे, 1 2 3। फिर देखिए सीधे बुन दिए। कुछ नहीं करना है, पैटर्न आपको बस ऐसे ही फॉलो करते हुए जाना है। ये देखिए तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इस पैटर्न को अपना पूरा कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद में ये भी देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बनाई थी और फिर हमने ट्विस्ट किया था, मतलब टोटल 5 सिलाई हो गई है। तो ये ट्विस्ट होने के बाद में जो नेक्स्ट रो आएगी, ठीक है, वो हमें 6 सिलाइयाँ बनाएंगे, फिर घटाएंगे, मतलब 6 सिलाइयाँ बनाएंगे, 2 उल्टे 6 सीधे का, इसको कंप्लीट होने के बाद में वो 6 राउंड ऐसे कंप्लीट करेंगे और 7वें राउंड में हम ट्विस्ट करेंगे। फिर 6 राउंड सीधे ऐसे इसी तरीके से बनाएंगे, फिर 7वें राउंड में हम ट्विस्ट करेंगे। तो इतना आप करते हुए जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि आपका पैटर्न केवल हेड तक ना पहुंच जाए, ठीक है, या जितना लंबा आपको बनाना हो उस तरीके का ना बन जाए। तो इतना हम इसको बनाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको बना के रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 2 3 4 टोटल मैंने 4 ट्विस्ट किए हैं। और मैं अब आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कि ये टोटल कितना लंबा बन गया है। तो अगर देखिए हम इसको ऐसे रखें इस तरीके से, और ये देखिए आप कुछ कम 6.5, ये देखिए ऑलमोस्ट बन चुका है। तो अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये 1 2 3 4 ये 4 ट्विस्ट हो गए हैं हमारे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि हम यहाँ पे हमने 4 सिलाई बुनी थी, 5वीं राउंड में हमने ये फंदे यहाँ पे ट्विस्ट किए थे, फिर 6 सिलाई बनी, फिर 7वें में घटा ट्विस्ट किया, फिर 6 सिलाई बुनी, फिर 7वीं रो में हमने ट्विस्ट किया। इसी तरीके से मैंने इसमें किया। तो यहाँ पर आप देखिए ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से, इस वाले फंदे से। तो ये देखिए ये उल्टा फंदा दिख रहा है और ये 6 फंदे सीधे, ये हमारा स्टार्टिंग था। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी मैंने ट्विस्ट करने के बाद में यहाँ पे ये ट्विस्ट करने के बाद में 6 सिलाई फिर बुन ली हैं। अब हम इसको यहाँ पर इसके क्राउन की शेपिंग करेंगे, मतलब हम इसमें से फंदे घटाएंगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे यहाँ से ये शुरू होता है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, हम इसकी शेपिंग करेंगे। तो देखिए 6 फंदे ये सीधे हैं, तो हम धागा पीछे ले जाएंगे और देखिए इसको इस तरीके से, देखिए एक इधर से स्लिप किया इस तरीके से, ठीक, और पीछे से 2 का 1 कर दिया। फिर देखिए 1 2 फंदे सीधे बुने। अब देखिए ये 2 हैं जो सीधे फंदे, इनको आगे से निडल ऐसे लेकर 2 का 1 कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमने 6 फंदे के 4 फंदे कर दिए हैं। फिर धागा आगे लाएंगे, 2 फंदे एज इट इज़ उल्टे ही हम बुनेंगे, ठीक है। फिर धागा पीछे ले जाएंगे। तो देखिए जो भी आपके ये 6 सीधे फंदे, इन्हीं में आपको घटाना है। शुरू में देखिए 1 2 फंदे हमने ऐसे उतार लिए और इसको इस तरीके से देखिए निडल डालकर 2 का 1 कर दिया। फिर 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं। अब 1 2 इस तरीके से निडल डालकर हम 2 का 1 कर देंगे। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम इस पूरे राउंड को ऐसे करते हुए कंप्लीट करेंगे। तो देखिए हमने लास्ट तक कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट का एक ये उल्टा फंदा है, इसको उल्टा बुना। अब ये स्टार्टिंग का हमारा उल्टा फंदा है, इसको भी उल्टा बुन लिया, फिर धागा पीछे किया। अब ये देखिए 4 फंदे हैं, इनको हमें अब देखिए फिर से इस तरीके से देखिए 1 2 ऐसे स्लिप किया और यहाँ पे हम इसको 2 का 1 कर देंगे। फिर आगे से देखिए ऐसे निडल डालेंगे, फिर इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। अब 4 फंदे के हमारे यहाँ पर 2 फंदे हो गए हैं। तो फ्रेंड्स जो भी आपके 4 सीधे फंदे हैं उनमें आपको ऐसे ही करना है, और जो उल्टे फंदे हैं उन्हें हमें उल्टा ही बुन देना। देखिए नेक्स्ट फिर से देखिए 1 उतारा, इस तरीके से 2 फंदे उतार लिए और हमने यहाँ पर 2 का 1 कर दिया। फिर आगे से ऐसे निडल डालकर ये देखिए इस तरीके से 2 का 1 कर दिया। तो इसी तरीके से बुनते हुए हम इसको कंप्लीट कर लें। तो फ्रेंड्स मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं ये थोड़ा सा थ्रेड ज़्यादा लेकर मैं इसको इस थ्रेड को कट कर दूँगी और लास्ट में हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इस थ्रेड को एक निडल में डाल लेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने इसको निडल में डाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम सारे के सारे फंदे हम अपने इस सुई में ले लेंगे, इस तरीके से चढ़ाते हुए। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मैंने क्राउन शेपिंग किया है, मैंने एक बच्चे के हिसाब से किया है, ठीक है। तो आपको जितना लंबा आपको बनाना हो, आप अपने हेड का मैंने एक वीडियो दिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि आपको कैप कितने से कितनी एज के लिए कितना बनाना है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन में ही भी दे दूँगी, उसमें आप देख लेना तो किसको कितना बनाना है। तो आपको उससे बिल्कुल परफेक्ट आइडिया लग जाएगा। तो ये मैं एक बच्चे के लिए बना रही हूँ। तो देखिए ये हमने इसमें पूरे फंदे डाल लिए हैं, ठीक है। अब हम इसको इस तरीके से पुल कर देंगे, ऐसे टाइटली, और अगेन इन्हीं फंदों में देखिए फिर से हम इस पूरे राउंड को ऐसे बीच बीच में देखिए घुमा सुई को घुमाकर इसको फिर से इसमें ले जाएंगे ताकि ये हमारे फंदे एकदम से अच्छे से सिक्योर हो जाएं। अभी हम इसको टाइट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको यहाँ पे टक कर दिया है। तो अब हम इसकी देखिए लेंथ देखते हैं। यहाँ से इसको ऐसे रखते हैं और ये देखिए कुछ कम, ये देखिए 7 है। तो ये देखिए अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे अगर आप ऐसा कैप रखना चाहते हैं तो ऐसा भी रखिए। यहाँ पर मैं पॉम पॉम लगाऊंगी, इसको भी मैं इसी वीडियो में दिखाऊंगी तो अभी नहीं लगा रही। अब मैं इसमें यहाँ पे ईयर फ्लैप्स बनाऊंगी। यहाँ पे ये जो बॉर्डर के फंदे हैं इन्हीं में से हम ईयर फ्लैप्स के लिए फंदे भी उठाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि इसे कैसे बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग में मार्कर्स लगाए थे हर 30-30 फंदे पर, तो देखिए हम यहीं से देखिए ये जो 30 फंदे हैं इन्हीं में के बीच से हम देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं ये सीधे फंदे, ऐसे हम देखेंगे। और यहाँ से ये आप इसको इस तरीके से अगर आप करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये लाइन आपकी यहाँ पे आ रही है। तो हम यहाँ से ये देखिए दो जो वाइट लाइंस दिख रही हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए 1, 2 हम इस दूसरी वाली से फंदे उठाएंगे। तो देखिए एक ये सीधा फंदा ये हुआ, यहाँ से उठाएंगे, दूसरा हम यहाँ से उठाएंगे, ये देखिए दूसरा, फिर तीसरा फंदा इस तरीके से हम उठाएंगे। आप चाहें तो निडल में इस तरीके से आप फंदे ले लें। तो हम पूरे 30 फंदे में नहीं बनाएंगे, जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको फंदे उठाकर दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हमारे यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 फंदे ये वहाँ यहाँ तक हो रहे हैं। तो मैं यहाँ से देखिए मैं आपको काउंट इसको छोड़ देते हैं। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 फंदे इस वाली लाइन से लेकर इस वाली लाइन तक यहाँ पर हो रहे हैं। तो यहाँ से मैं देखिए 2, 4 मतलब ये हमने 4 फंदे यहाँ से छोड़ देंगे। देखिए 2, 4 यहाँ से देखिए ये जो उल्टा फंदा है यहाँ से हम इसको फंदे उठाना शुरू करेंगे, फिर इधर से छोड़ेंगे। देखिए 2, 4 यहाँ से फंदे हम उठाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर टोटल 20 फंदों में ईयर फ्लैप्स बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ये जो लूप्स मैंने आपको बताए थे वाइट में वो हम अपने इस निडल पर ले लेंगे। तो देखिए 2, 4 ये यहाँ पे छोड़ देंगे और यहाँ से देखिए सेकेंड लूप हमारा देखिए 1, 2 यहाँ से उठाया 1, 2 3 4, 5, 6, 7, 8 देखिए वी चेन में जहाँ ये फंदे उठा रही हूँ वी चेन में देखिए आपको इस तरीके के यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको मैं पिक कर रही हूँ, ये इस चीज़ को मैं पिक कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट तो यहाँ तक हम देख लेते हैं फंदे कितने हो गए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ये देखिए 22 फंदे हो गए हैं। तो एक बार मैं देख लेती हूँ। यहाँ से ये फंदा छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर 21 फंदे हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21 फंदे हैं। तो इसको हम इस तरीके से देखिए कैप को अपने इस तरीके से रख लेंगे और ये हमारा अब वर्किंग यार्न है और ये हम इस तरीके की अब एक स्ट्रेट नीडल ले लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से एक लाइन देखिए, तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक लाइन ये देखिए इस ऐसी बुनेंगे सीधी। ये देखिए ठीक, तो ये हमने इस तरीके से बुन लिया है। वापस से आएंगे तो इसमें अब हम किनारी बनाना शुरू करेंगे, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि उसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये लाइन हमने पूरी बना ली थी और ये वाली लाइन भी हम देखिए बैक साइड से इसको भी देखिए एक स्लिप किया, दूसरा स्लिप किया और तीसरे फंदे को देखिए हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे। ये देखिए लास्ट वाला फंदा भी हम उल्टा ही बना देंगे और जो ये थ्रेड लगा है इसको हम बाद में सलाई से सुई से बाइंड ऑफ कर देंगे या हम साथ साथ भी इसको कर सकते हैं। तो आप देखिए हम राइट साइड में हैं, ये हमारा वर्किंग यार्न है। तो देखिए कैसे करना है, राइट साइड से देखिए, रॉन्ग साइड से हमने बनाया था। आप देखिए राइट साइड से एक फंदा उतारा, दूसरा फंदा उतारा, तीसरे फंदे को हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे। देखिए ये देखिए और ये वाले भी फंदे भी हम सीधे ही बना लेंगे ठीक। तो इस तरीके से हमने अपने पैटर्न की 3 सलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। चौथी सलाई देखिए रॉन्ग साइड से जो एज बनाने के लिए कर रहे हैं, देखिए इधर से हमने राइट साइड से जो अभी हमने रो बनाई थी उसको ऐसे ही बनाना है इस साइड की एज के लिए। और रॉन्ग साइड से जब आप बुनेंगे तो पहला फंदा उतारेंगे, दूसरा फंदा उतारेंगे, तीसरे फंदे को हम उल्टा बुन देंगे ठीक है। तो आपको रो नंबर 3 एंड रो नंबर 4 आपको ऐसे ही एज बनाने के लिए बनाना है। तो ये देखिए हम पूरी रो उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। देखिए जो लास्ट उल्टी से आप बनाएंगे तो ये जो हमने पहले फंदे बिना बुने उतारे थे इनको भी हम उल्टा ही बुन देंगे ठीक। तो ये देखिए हमने 4 सलाई बना ली हैं। तो आप देखिए हम यहाँ पर फंदे घटाएंगे। तो देखिए राइट साइड से एक फंदा उतारा, दूसरा फंदा उतारा, ये देखिए 1, 2 ठीक है, इन्हें हमें घटाना है। तो देखिए 1, 2 ये हमने इस तरीके से स्लिप किए और इस यहाँ पर हमने 2 का 1 कर दिया ये देखिए ठीक है। और बाकी हम सारे के सारे लास्ट तक फंदे हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे। देखिए रॉन्ग साइड से देखिए कैसे घटाना है, एक फंदा उतारा, दूसरा फंदा उतारा और तीसरे और चौथे फंदे को मिलाकर हमें 2 का 1 कर देना है ठीक है। तो इधर से भी एक फंदा कम हो गया। अब हम लास्ट तक यहाँ तक सारे के सारे फंदे बुन देंगे। तो हमने दोनों साइड से एक एक फंदा घटा दिया है और आप देखेंगे तो आपकी ये एज बनना शुरू हो गई है ठीक है। तो आप देखिए अगेन एक फंदा उतारा, दूसरा फंदा उतारा। तो इस वाली सलाई में हम कोई भी फंदा घटाएंगे नहीं, इधर से भी हम बिना घटाए पूरा बुनेंगे और जब रॉन्ग साइड से आएंगे उसे भी हम बिना घटाए पूरी रो बुनेंगे। ये देखिए तो इस तरीके से देखिए हमने बना ली है। तो आप देखिए हम अगर हम रोज़ देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सलाइयाँ हमने बना ली हैं। तो जिसमें 4 सलाइयाँ बनाने के बाद में हमने यहाँ पर एक एक फंदा घटाया था, मतलब 5वीं और 6ठी सलाई में, 7वीं और 8वीं सलाई हमने एज इट इज़ बुन दी है। अब हम फिर से देखिए 2 सलाई हमने बिना बुने बुन ली हैं। अब हम फिर से दोनों साइड से एक एक फंदा घटाएंगे। तो आपको ऐसे ही घटाते हुए जाना है हर दूसरी सलाई में। और जब आपके देखिए मैं आगे आपको बताऊंगी कि कितने फंदे रह जाएं तब आपको इसको बंद करना है। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने देखिए 4 बार इसको घटा लिया है। ये हमने चौथी बार रॉन्ग साइड से देखिए ये वाला फंदा यहाँ पे 2 का 1 किया है। तो अब देखिए 4 बार घट गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू घटाएंगे। मतलब हम एक बार घटाने के बाद में हम इसको फिर 2 सलाई नहीं बुनेंगे। ये देखिए 4 बार घट गया। 5वीं बार देखिए राइट साइड से ऐसे ही देखिए 2 का 1 किया और पूरी सलाई को हम सीधा बना देंगे। ये देखिए इधर से बनाएंगे। इन दोनों को फिर से देखिए घटाया और बाकी के फंदे हम उल्टे बनाकर कंप्लीट कर देंगे। ठीक, फिर देखिए राइट साइड आए तो 5 बार घट गए हैं। फिर 6ठी बार में देखिए फिर से वही प्रोसेस, 2 फंदे हमने इस तरीके से स्लिप किए, तीसरे और चौथे फंदे को ऐसे उतार कर 2 का 1 कर दिया। ठीक, ये देखिए और बाकी के हम सारे फंदे ऐसे ही बना देंगे। रॉन्ग साइड से आएंगे, देखिए फिर से वही प्रोसेस, 1 उतारा, दूसरा उतारा बिना बुने और बाकी के तीसरे चौथे फंदे को एक साथ 2 का 1 उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर देंगे। और बाकी के बचे हुए फंदे हम एड स्ट्रिच, इनको उल्टे फंदे हैं तो उल्टा ही बनाकर कंप्लीट कर देंगे। फिर देखिए तो ये देखिए हमारा, ये देखिए किनारी एक अच्छी सी नीट एंड क्लीन सी किनारी बनती हुई जा रही है हमारी। ठीक है, आप देखिए अगेन ऐसे ही करते जाएंगे। देखिए तो ये 2 का 1 हो जाएगा, ये 2 का 1 हो जाएगा, ये है ना। तो लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचेंगे, उसके बाद में हम इसकी डोरी बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए पीछे से मैं घटा कर आई हूँ तो मेरे पास अभी यहाँ पर 5 फंदे हैं। तो देखिए अब हम इसको 1, 2 ऐसे उतारे और ये 2, ठीक है, इन दोनों को इस तरीके से मिलाकर 2 का 1 कर देंगे और लास्ट वाला भी ये देखिए, ठीक है, सीधा बुन दिया। आप टर्न कर लेंगे। ठीक, तो आप देखिए ये फंदा और ये फंदा स्लिप किया, 1, 2, यहाँ पे 4 फंदे हो गए थे ना। तो आप बीच वाले दोनों को, एक फंदा उतारने के बाद में बीच वाले फंदे को 2 का 1 किया और लास्ट वाला फंदा हमने उल्टा बुन लिया। तो यहाँ पर आप हमारे पास 3 फंदे हो गए हैं। तो ये हमारा देखिए कान ढकने का एक ईयर फ्लैप बन गया। अब इन 3 फंदों को देखिए हमें डोरी बनाना है। तो सबसे पहले देखिए ये वाला फंदा आपको देखिए इस तरीके से डबल पॉइंटेड नेडल चाहिए होंगी। अगर डबल पॉइंटेड नेडल नहीं है तो उसको देखिए कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए 1 फंदा हमने उतारा, दूसरा फंदा हमने सीधा बुना, तीसरा फंदा हमने सीधा बुन दिया। ठीक है, अगर डबल पॉइंटेड नेडल है तो आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। अगर डबल पॉइंटेड नेडल नहीं है तो देखिए फिर से हम इसको, तीनों फंदों को इसी में ऐसे उतार लेंगे। आप यहाँ से देखिए पहले फंदे को फिर सीधा बुनेंगे, 1, 2, 3, ठीक है। डबल पॉइंटेड नेडल है तो आप इसको इस तरीके से सरका सकते हैं और इस सलाई से इसको यहाँ पे बुनना शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो जैसे मैंने पहले बताया था कि आप वापस से तीनों फंदों को अपनी सलाई पर चढ़ा लेंगे और फिर उसको बुनना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से देखिए मैं बुनते हुए देखिए थोड़ी लंबी इसकी डोरी बना लूँगी, मैं आपको दिखाऊंगी। और ऐसे करते हुए देखिए हमारी ये गोल गोल सी डोरी बनना शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक इतनी लेंथ बना ली है। तो मैं आपको माप कर भी दिखा देती हूँ, 10.5, ठीक है, 10.5 इंचेस मैंने इसको बना ली है। अब हम इसको यहाँ पर देखिए ऐसे, ये हमारे लूप्स इधर हैं तो देखिए निकल रहे थे। तो देखिए इसको उतारा, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ ऐसे किया और इसको इसके ऊपर से निकाल दिया। ठीक, अब हम इसको यहाँ पर कट कर देंगे और यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐसे कर दीजिए, देखिए टाइट। ठीक है, अब जो ये थ्रेड है इसको हम यहाँ पर इस तरीके से सुई में लेकर इसके अंदर ही कर देंगे। ये देखिए ऐसे ध्यान रहे कि आपके ये इधर उधर निकले नहीं। ये देखिए धीमे से इसको हम पूरा अंदर इसमें दबा देंगे। ये देखिए इसको ऐसे ले लीजिए और यहाँ पर इसको हम ऐसे पुल कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप करके और थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे काट दीजिए और इसको सीधा कर दीजिए। ठीक, तो ये देखिए, तो अब हम इसकी फाइनल लेंथ भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ से इसको ऐसे रखा और ये देखिए ठीक इस तरीके से, इतना हमारा 10.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये हमारा बन गया एक ईयर फ्लैप। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ऐसे ही रखा है। ठीक है, आप इसको ऐसे रखिए और यहाँ से इसके नाप पे ये देखिए उल्टा फंदा आ रहा है। दूसरी रो में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 और ये 21 फंदे हमने इसमें ले लिए हैं। ये देखिए, तो ठीक है, अब हम वैसे ही यार्न अपना अटैच करेंगे। और जैसे हमने इसकी स्टार्टिंग की थी पूरा उसी तरीके से इसको भी हम बना लेंगे। इसको इस तरीके से रखकर अब हम इसको पूरा बनाना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स जब ये ईयर फ्लैप पूरा बन जाएगा इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर ये पॉम पॉम लगा कर दिखाऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये दोनों ईयर फ्लैप्स बन गए। आप चाहें तो इसको ऐसा भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर पॉम पॉम लगाना है तो आप यहाँ पे लगाएं तो बड़ा सा लगाएं, अगर इधर इधर साइड साइड लगाएं तो 2 पॉम पॉम छोटे साइज़ के लगाएं। ठीक है, तो देखिए मैं पॉम पॉम क्रीम कलर से लगाऊंगी, जो मेरा कंट्रास्ट यार्न था, और थोड़ा सा थ्रेड में कट करके रख दे रही हूँ और इसको मैं निडल में डाल दूँगी इस तरह से। तो इसको मैं रेडी करके रख लेती हूँ ऐसे। तो इसको हम साइड कर लेंगे। अब जो ये वाला यार्न है गोली से अटैच वाला, इसको मैं अपने 3 फिंगर्स में इस तरीके से देखिए ऐसे देखिए कुछ राउंड्स लगाऊंगी। तो आप 2 पॉम पॉम बनाएं तो आप कोशिश करें कि आपके राउंड्स बिल्कुल सेम हो। तो देखिए मैं ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये 60 राउंड लगा लिए हैं। 60 राउंड लगाने के बाद में यहाँ पे अब मैं ये थोड़ा सा थ्रेड कट कर रही हूँ और इसको मैं इस तरीके से देखिए यहाँ पे ऐसे इसको ऊपर लेकर आऊँगी यहाँ से और इसको ऐसे। तो ये आपस में हम इनको सावधानी से अपनी फिंगर को निकाल लेंगे और ऐसे आप एक गांठ लगा दीजिए। यदि आपके पास पॉम पॉम मेकर हो आप उसका यूज़ कर लीजिए, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि पॉम पॉम और कैसे बनाते हैं, जैसा आपको इजी लगे उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो मैं 2-4 बार ऐसे ही इसकी गांठ लगाऊंगी। ये देखिए लग गया और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा कट कर दे रहे हैं। तो आप देखिए क्या है, हमारी ये लूप्स हाफ एंड हाफ है, तो हम यहाँ से ये देखिए पुल करते हुए इसको काटेंगे ऐसे। आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, तो देखिए इसी तरीके से मैं इसको बना लूँगी। अगर आपको और छोटा करना है तो आप इसको और छोटा साइज़ कर लीजिए और अच्छे से इधर उधर इस तरीके से प्रेस करते हुए आप इसको गोल करते सकते हैं, बिल्कुल बॉल सा बन जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर देखिए मैं सोच रही हूँ मैं एक ही लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे अटैच कर दूँगी, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर, ठीक। तो मैं यहाँ से इसको ऐसे यहाँ पर इससे सुई से इसको बांध दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए ये कैप हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो आप मुझे बताइएगा ये आपको कैप कैसी लगी, और इस कैप से रिलेटेड या इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।